हैप्पी होली फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपने होली बहुत अच्छी तरह से मनाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी लड़की को ना अपनी आदत कैसे डरवाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी किसी लड़की को लाइक करते हो, उसे पसंद करते हो और आप चाहते हो ना कि वो लड़की सिर्फ आपके ही बारे में सोचे, आप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले या एक तरह से ना उस लड़की को आपकी आदत हो जाए? तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करने होंगे, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी लड़की को अपनी आदत कैसे डलवाएं या अपनी लत कैसे लगवाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो देख लेते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, इससे अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं कि किसी भी लड़की को अपनी आदत कैसे डलवाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना होगा कि अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आप में इंटरेस्ट ले, उसको आपकी आदत हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम यही है कि आपको ना उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है। जितना हो सके आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। इससे होगा ये कि जब आप उनके साथ बैठोगे, उनसे बातें करोगे, तो आपको उन्हें समझने का और मौका मिलेगा और आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, या फिर उनकी बातों को आपको अच्छी तरह सुनना है, उनको क्या फील करती हैं, या फिर वो अपने पार्टनर में कौन सी खूबियाँ देखना चाहती हैं या किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहती हैं। तो इस तरह से जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्ट लेने लगे। और जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप यही कोशिश करनी है आपको कि आपको ना उनको इनक्रेज करते रहना है कि हाँ लाइफ बहुत अच्छी है, कि अगर उनको कोई लाइफ में प्रॉब्लम है ना तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उनको ये तसल्ली करानी कि हाँ भाई सारी प्रॉब्लम ना आसानी से इजीली सॉल्व हो सकती हैं। इस एक तरह से आपको उस लड़की को अपनी आदत डलवा देनी है। जब आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओगे, उनको सुनोगे, तो उस लड़की को अपने आप ही फील होने लगा कि हाँ भाई यही वो लड़का है जिसकी मुझे तलाश थी और वो आपके बगैर एक पल भी रह नहीं पाएगी। हमेशा वो यही चाहेगी कि कब आप उससे बात करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उस लड़की को ना आपकी लत लग चुकी है, आपकी आदत हो चुकी है। तो इस स्टेप को फॉलो करके भी आप किसी भी लड़की को अपनी आदत डलवा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो ना कि किसी भी लड़की को आपकी आदत हो जाए, आपकी आदत लग जाए ना, तो उसके लिए आप ये काम भी कर सकते हो कि जब आप उस लड़की के साथ होते हो तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप किसी भी तरह से उस लड़की को एंटरटेन करते रहो, हंसी मजाक उनके साथ करते रहो, ताकि उस लड़की के फेस पे ना हमेशा स्माइल रहे। जब वो आपके साथ होती है, खासकर उस टाइम वो हमेशा खुश रहे, कोई भी ऐसा मोमेंट या ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे लड़की उदास हो जाए या उसका फेस सैड हो जाए या मूड ऑफ हो जाए। तो इस तरह से आप कोशिश यही करो कि हमेशा वो हंसी रहे, हंसती रहे या खुश रहे, क्योंकि हर कोई भी चाहेगा कि वो हमेशा खुश रहे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो ये चाहेगा कि वो उदास भी हो जाए। तो लड़कियां ना ऐसे लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं जो लड़कियों को हंसाते रहते हैं या हमेशा उन्हें खुश रखते हैं। ऐसे लड़कों की तरफ लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं और ऐसे लड़कों को ना लड़कियां बहुत पसंद भी करती हैं। एक तरह से उन लड़कों की आदत हो जाती है, क्योंकि एक तरह से ना उस लड़की की लड़की को आदत हो जाती है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की को हमेशा हंसाता रहता है या उनके फेस में हमेशा स्माइल रहती है। तो लड़कियों को उस लड़की की आदत हो जाती है। तो इस स्टेप को फॉलो करके भी ना आप लड़की को अपनी लत लगवा सकते हो, अपनी आदत डलवा सकते हो। अगला पॉइंट है, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि उस लड़की को आपकी आदत हो जाए, तो किसी भी तरह से जब आप उनसे बात करते हो तो आप कोशिश यही करो कि आप उन्हें स्पेशल फील कराओ, जैसे उनकी केयर करो या फिर उसी टॉपिक पे बात करो जिस पे लड़कियों को अच्छा लगता है, या फिर जो लड़कियों को बात करनी अच्छी लगती है उसी पे बात करो। उन्हें हमेशा हंसाते रहो, उनके साथ ना हंसी मजाक करते रहो, जिससे लड़कियां खुश रहें और जो है उनके अपने साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, जिससे लड़कियां आपसे इमोशनली अटैच हो सकें। तो इस तरह से भी आप जब लड़की के साथ उन्हें स्पेशल फील कराते हो, अच्छी केयर करते हो या वो काम करते हो जो और लड़के नहीं करते हैं, तो इससे ना लड़की को आपकी आदत हो जाती है, क्योंकि आप औरों से अलग काम कर रहे हो। तो इस तरह से लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, एक तरह से ना लड़की को आपकी लत लग जाती है, जिसकी वजह से लड़की आपसे बात किए बगैर या फिर आपके बगैर रह नहीं पाती। तो इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हो अगर आप किसी भी लड़की को अपनी आदत डलवाना चाहते हो। अगला पॉइंट है कि लड़कियों को ना अपनी आदत डलवाने के लिए आप लड़की की तारीफ भी कर सकते हो या उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो। हो सकेगा ना लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट दे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक तरह से होता तो तारीफ ही है, लेकिन यहाँ पर आप बातों को घुमा फिरा के उनको बोलते हो। जैसे कि अगर आप सिंपल तरीके से बोलोगे तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर हैं, तो इसमें ज़्यादा दम नहीं है, सिंपल तरीके से आपने बोल दिया। वहीं अगर आप इसी बात को कॉम्प्लीमेंट की तरह बोलते हो, जैसे कि तुम्हारी झील सी नीली आँखें कितनी सुंदर हैं, मैं इन्हें देखते ही ना इसमें खो जाता हूँ, तो इस तरह से
जैसे आप उनकी आंखों की तारीफ कर रहे हो लेकिन यहाँ पे आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो इससे लड़की ना आपसे बहुत ही जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी। और जब भी आप लड़की से मिलो तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट या उनकी तारीफ जरूर करो। तो इस तरह से जब भी आप उस लड़की से मिलो ना तो आप उसकी तारीफ जरूर करो, क्योंकि इससे लड़की को अपनी तारीफ सुनने की आदत हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप लड़की को अपनी लत अपनी आदत डलवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन सभी स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी लड़की को अपनी आदत डलवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।